Hello friends, hope you all are doing well. This is another important topic of Unit 8, that is Super Heterodyne Receiver. In today's class, I am going to discuss about tuned radio frequency receiver and its working and its disadvantages. And then I'll discuss about Super Heterodyne Receiver, its working, its advantages over TRF and its waveforms. After that, I'm going to discuss about image frequency, then image frequency rejection ratio and numerical based on image frequency rejection ratio. So let's start with TRF receiver. TRF receiver. TRF stands for tuned radio frequency receiver. In previous classes, we have discussed about the different types of transmitters, AM generation, FM generation, and how we transmit these AM and FM waves through the transmitter. Now, this section, I'm going to discuss about the different kind of receiver. The first receiver is tuned radio frequency receiver. Why we called it tuned? Because its receiving section from first block to detector block, these all blocks are tuned at a fixed frequency. ठीक है, अब वो fixed frequency कौन सी है जो कि desirable है, desirable frequency है, उस पे ये सब tuned है. ठीक है, जिस फ्रीक्वेंसी का हमें सिग्नल चाहिए. और ये 1-2 स्टेजेस है, 3 स्टेजेस आरएफ एम्पलीफायर भी हो सकता है. ये डिपेंड करता है कि आपका सिग्नल कितना वीक है या कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रहा है. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही जो आरएफ स्टेजेस होती हैं एम्पलीफायर की वो लगाई जाती हैं. ठीक है, यहाँ पे आपको 1-2 स्टेजेस दी हुई है, देन द डिटेक्टर. अब ये जो सबसे पहले एंटीना है, ये ठीक है, एंटीना सिग्नल को रिसीव करता है. जो भी सिग्नल उसे मिलता है वो उसको आरएफ एम्पलीफायर में देता है. अब जो ये आरएफ एम्पलीफायर है, ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड है. ठीक है, और ये केवल उसी फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करेगा जिस फ्रीक्वेंसी पे ये ट्यून्ड है. ठीक है, जिस फ्रीक्वेंसी पे ये सेट किया हुआ है, जो फ्रीक्वेंसी बैंड इसमें सेट होता है उस बैंड को ये पास करता है और एम्पलीफाई कर देता है. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज भी किसकी है, आरएफ एम्पलीफायर की. ये भी सेम, क्योंकि ये सब तीनों अटैच्ड हैं, ठीक है, ये भी उसी सेम फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड है, तो ये भी क्या करेगा, उसी फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करेगा, उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को. मान लीजिए ये एफएस है, ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, उसी एफएस को एम्पलीफाई करेगा और बाकी जो है उनको सप्रेस करेगा. ठीक है, देन जब ये जो फ्रीक्वेंसी है एफएस, ये जब एक इनफ लेवल पे पहुंच जाएगी, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जब ट्रांसमिशन करते हैं तो सिग्नल वीक हो जाता है, जब रिसीव होता है तो बहुत ही वीक कंडीशन में होता है, तो पहले उसको एम्पलीफाई करते हैं, एक लेवल तक उसे इंक्रीज करते हैं, देन डिटेक्टर से हम क्या करेंगे, डिटेक्टर से भी अब हमें ये भी इसके साथ गैंग है, मतलब इसमें भी ये भी उसी फ्रीक्वेंसी पे डिटेक्ट करेगा जिस फ्रीक्वेंसी पे इसको सेट किया हुआ है. ये क्या करेगा, डीमॉड्यूलेशन करेगा और यहां से जो मेन मैसेज सिग्नल है दैट इज एमटी, उसको सेपरेट करेगा कैरियर सिग्नल से. ठीक है, और ये भी उसी फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करेगा जिस फ्रीक्वेंसी पे बाकी एम्पलीफायर सेट है. ठीक है, फिर ये जो सिग्नल है जिसको हम मैसेज फ्रीक्वेंसी एफएम भी बोलते हैं, उसको ये एम्पलीफाई करेगा, उसका ऑडियो एम्पलीफाई करेगा, देन उसमें पावर एम्पलीफिकेशन होगा और आफ्टर दैट वो इतना उसका लेवल राइज किया जाएगा ताकि वो लाउड स्पीकर को ऑपरेट कर पाए. ठीक है, दिस इज लाउड स्पीकर, इसको ऑपरेट कर पाए, इतना पावर गेन होगा उसमें यूजिंग दिस पावर एम्पलीफायर. ठीक है, तो बेसिकली इनका काम क्या है, इनका काम है जो इनिशियल वाले हैं ये एक फिल्टर की तरह वर्क कर रहे हैं और एम्पलीफायर की तरह भी वर्क कर रहे हैं. ठीक है,
रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर्स एक सेलेक्टिव बैंड पे सेट है, डिजायर बैंड पे सेट है, उसी बैंड को ये इंक्रीज कर रहे हैं, उसी को ही एम्पलीफाई कर रहे हैं और देन आउटपुट आगे सेंड कर दे रहे हैं। फिर ये एम्पलीफायर भी यही करता है। अगर थर्ड स्टेज एम्पलीफायर है तो वो भी क्या करेगा, उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सेट करेगा जिसपे ये सब ट्यून्ड है। ठीक है, तो ये तीनों ही जो जो है वो किस पे है, एक डिजायर फ्रीक्वेंसी पे सेट है। ठीक है, अब इसको हम वेव फॉर्म की हेल्प से समझ सकते हैं। ये है आपका वर्किंग ऑफ टीआरएफ, ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे ये आरएफ फ्रीक्वेंसीज हैं जो एंटीना ने रिसीव करी है। ठीक है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। अब हमें जिस पर्टिकुलर बैंड को रिसीव करना है तो हमारा ये जो बैंड फिल्टर है इसको हम उस वैल्यू पे सेट कर देंगे। अब देखोगे आप जिस वैल्यू पे सेट होगा वही पर्टिकुलर वैल्यू, उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आपको आउटपुट पे मिलेगा। ये है आउटपुट ऑफ फिल्टर। ठीक है, अब जो आउटपुट पे मिलेगा इसी का ही क्या होगा, एम्पलीफिकेशन होगा। अब यहाँ तो हमने ये दिखाया है कि ये किसी भी वैल्यू पे फिक्स किया जा सकता है। ठीक है, तो जो ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर होता है उसको हम, वो वेरिएबल होता है, हम किसी भी वैल्यू पे उसको सेट कर सकते हैं। अब जिस वैल्यू पे सेट करेंगे, जिस देखिए बैंड पास जिस वैल्यू पे सेट होगा उस पर्टिकुलर सिग्नल को ये एज अ आउटपुट पे दे देगा और बाकी सबको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, और फिर जो अब जो बाकी के स्टेजेस हैं एम्पलीफिकेशन की, आरएफ एम्पलीफिकेशन की, वो भी सेम वैल्यू पे सेट होंगी और वो भी सेम सिग्नल को ही, फ्रीक्वेंसी को ही एम्पलीफाई करेंगी और देन उसी फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, डीमॉड्यूलेशन होगा। ठीक है, तो वर्किंग बहुत सिंपल है। केवल क्या करना है, एक डिजायर बैंड फिल्टर लेना है इन आरएफ स्टेजेस में। ठीक है, और वो जो जो बैंड फिल्टर है वो तीनों में ही क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम होना चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल है बनाना। एग्जैक्टली उसी वैल्यू का फिल्टर बनाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हाँ ये है कि ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली आप उस वैल्यू का फिल्टर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई वर्किंग ऑफ ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी। नाउ देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर। ठीक है, जिसका फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, द डिफरेंस इन द कैपेसिटर्स। जो ट्यून्ड सर्किट हम यूज करते हैं ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर में, वो ट्यून्ड सर्किट में हर स्टेजेस पे कैपेसिटर लगे होते हैं। ठीक है, और वो कैपेसिटर्स जो है वो ट्यून्ड होने चाहिए, मतलब एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे फिक्स्ड होने चाहिए। अब वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, कैपेसिटर की वैल्यूज पे डिपेंड करती है। कैपेसिटर्स क्या होने, कैपेसिटर्स जो सेम वैल्यूज के प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है। जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते। ठीक है, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। अब कैपेसिटर्स जब चेंज है, उनकी वैल्यू चेंज है, तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, जिसकी वजह से जो पास बैंड फिल्टर हम यूज कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को पास करने के लिए, उसकी वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है कि हम कैपेसिटर्स यूज कर रहे हैं जो कि सेम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे वर्क नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब जो सेकेंड डिसएडवांटेज है वो है ऑसिलेशंस आर अनअवॉइडेबल एट हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, एक फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं सेलेक्टिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसी फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर रहे हैं, एम्पलीफाई करते जा रहे हैं, करते जा रहे, करते जा रहे हैं, और वो फ्रीक्वेंसी को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर देते हैं। जो लास्ट स्टेज है पावर एम्पलीफायर पे, उसी फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर दिया, बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर दिया, बढ़ा दिया हाई फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑसिलेशंस आने लगते हैं। जैसे आप अगर कभी अपना स्टूडियो ऑन करिए, जब आप उसकी बहुत ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, उसके वॉल्यूम को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो आप देखते हो कि एकदम से आप जो वॉइस है ना वो वाइब्रेट करने लगती है, उसमें ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो जाते हैं जिनको अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो अगर हाई फ्रीक्वेंसी हो रही है तो वो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगे ही। ठीक है, तो हमारा क्या होना चाहिए, डिजायरेबल सर्किट ऐसा होना चाहिए जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस ही ना हो, जितने हमारे फंक्शनिंग है वो लो फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसीज पे ही हो जाए, तभी ऑसिलेशन को अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, नाउ द
टीआरएफ रिसीवर सफर फ्रॉम अ वेरिएशन इन बैंडविड्थ ओवर द ट्यूनिंग रेंज। अब जो टीआरएफ रिसीवर्स होते हैं उनमें बैंडविड्थ की भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, क्योंकि ट्यूनिंग क्या है, आप किसी एक फ्रीक्वेंसी पे उसको रेंज पे ट्यून कर सकते हैं, इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ वेरी करती है, ठीक है। तो ये कुछ ड्रॉबैक हो गए टीआरएफ रिसीवर्स के। नेक्स्ट रिसीवर इज अ सुपर हेटरोडाइन रिसीवर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो मेंशनड इन द यूजीसी नेट सिलेबस। ओके, सुपर हेटरोडाइन रिसीवर हम कब यूज करते हैं, जब जो ट्रांसमिटेड वेव होती है वो एएम वेव होती है, यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव होती है, तब हम रिसीवर पे सुपर हेटरोडाइन रिसीवर यूज करते हैं, ठीक है। अब इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो होता है IF। IF स्टैंड फॉर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं, वही इसका बेसिक प्रिंसिपल है और वही इस सुपर हेटरोडाइन रिसीवर को बाकी रिसीवर्स से डिफरेंट करता है, डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। अब जो लास्ट रिसीवर था उसमें एक ड्रॉबैक था कि हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेशंस होने लगते हैं, ठीक है। तो सुपर हेटरोडाइन में हमने क्या करा, उस हाई फ्रीक्वेंसी को अवॉइड करने के लिए जो सिग्नल था, अब सिग्नल वीक कंडीशन में है तो सेवरल स्टेजेस ऑफ एम्पलीफिकेशन हम यूज करते हैं, ठीक है, और जो फाइनल आउटपुट जो होता है वो ऑडियो और पावर एम्पलीफायर के बाद एम्पलीफाई होके आता है, तो उस बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे पहुंच जाता है, तो उस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, उस हाई फ्रीक्वेंसी को इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, अभी जो सिग्नल है एएम सिग्नल जो कि एंटीना से रिसीव हुआ है, ये क्या है, इसमें कैरियर है और एफएस है, एफएस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या है, जिस फ्रीक्वेंसी से इसको मॉड्यूलेट किया है, जिस सिग्नल से इसको मॉड्यूलेट किया है कैरियर सिग्नल से, उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सबसे पहले वो बहुत वीक है तो उसको एम्पलीफाई किया एक स्टेज, उसके बाद इसको मिक्सर में एज अ इनपुट दे दिया। अब मिक्सर में जो दूसरा आउटपुट आ रहा है वो है लोकल ऑसिलेटर से, लोकल ऑसिलेटर एक फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो एएम वेव है उससे ज्यादा है, ठीक है, उससे ज्यादा है। मान लीजिए अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 500 है तो इसकी 800 है, ठीक है, तो उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ली और इस फ्रीक्वेंसी से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 300, मतलब एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जो इन दोनों के बीच की फ्रीक्वेंसी है। इन जनरल क्या होता है, जो मैसेज सिग्नल, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसी को ही एम्पलीफाई करते हैं हम, यानी कि 500 को एम्पलीफाई करेंगे तो फ्रीक्वेंसी और ज्यादा एम्पलीफाई होती जाएगी। अब उसकी जगह 500 की जगह हमने एक इंटरमीडिएट स्टेज ले ली 300, ठीक है। अब बाकी जितनी भी चीजें हैं, यानी कि जो उसका मॉड्यूलेशन है, एम्पलीट्यूड वो सब सेम है, केवल चेंज क्या हुआ है, फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी पे ले लिया, इसको एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पे ले लिया, जो इंटरमीडिएट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एफ नॉट और एफ एस के बीच की फ्रीक्वेंसी हमने जनरेट की है, ठीक है। और फिर इस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सिग्नल को आगे एम्पलीफाई करेंगे, तो बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे वो नहीं जाएगा और जो ऑसिलेशंस की प्रॉब्लम हो रही थी वो अवॉइड हो जाएगी, ठीक है। तो सेम क्या करा, मिक्सर से हमने लोकल ऑसिलेटर लिया, लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है, ठीक है, तो एफ नॉट की एफ नॉट एफ एस से ज्यादा है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पे मिक्सर क्या कर रहा है, मिक्सर एडिशन भी कर सकता है, सब्ट्रैक्शन भी कर सकता है, मल्टीप्लीकेशन भी कर सकता है, तो यहाँ पे हमने क्या कराया है, सब्ट्रैक्शन कराया है, इस एफ नॉट को एफ एस से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई दैट इज एफ आई, विच इज इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बाकी जो ए एम वेव है उसका एम्पलीट्यूड सब कुछ सेम है, क्या चेंज हो गया, एफ सी की जगह अब क्या आ गया, एफ आई, ठीक है, एफ सी इज रिप्लेस्ड बाय आई एफ या फिर एफ आई, ठीक है। अब क्या करना है, अब एफ सी हमारा खत्म हो गया, एफ आई हमारा फ्रीक्वेंसी है, इसी से ही हमें आगे का सब कुछ करना है, ठीक है। अब क्या हुआ, एफ आई हमने एम्पलीफिकेशन ले लिया,
ठीक है। और ये एम्पलीफायर जो है वो किस वैल्यू पे ट्यून है, ट्यून्ड है, इस FI पे ट्यून्ड है, यानी कि जो इसके कंपोनेंट्स होंगे वो एम्पलीफाई हो जाएंगे, इसके अलावा कुछ कंपोनेंट्स होंगे वो रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब एम्पलीफाई हो गया सिग्नल हमारा, AM सिग्नल मॉड्यूलेशन बिल्कुल सेम है जैसे इसका था, ठीक है, एम्पलीट्यूड बिल्कुल वैसे ही वेरी कर रहा है जैसे इस सिग्नल का था, केवल क्या हुआ फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो डायग्राम में ज्यादा है, अब ये फ्रीक्वेंसी कम हो गई, यानी कि 500 से 300 हो गई। ये जस्ट एक एग्जाम्पल लिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब इस एम्पलीफाइड सिग्नल को डिटेक्टर में दे दिया, डिटेक्टर क्या करेगा, डीमॉड्यूलेशन करेगा, ठीक है। अब डीमॉड्यूलेशन के लिए इसको पता होना चाहिए किस फ्रीक्वेंसी पे डीमॉड्यूलेशन होना है, तो उसके लिए यहाँ पे ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल सिग्नल यूनिट यूज की गई है, जो क्या कर रहा है, इस लोकल ऑसिलेटर और डिटेक्टर को ट्यून्ड कर रहा है, ठीक है। मतलब डिटेक्टर बता रहा है कि किस फ्रीक्वेंसी पे इसको फिक्स रखना है, कौन सी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पे इसको फिक्स रखना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही ये अपनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा। अगर मान लीजिए ये तो फिक्स है कि जो FS है उसका 500 है, ठीक है, यहाँ से इसने बता दिया कि जो है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी 300 जनरेट होनी है, तो ये उसके अकॉर्डिंग इन दोनों को ऐड करके, क्योंकि ये यहाँ से भी ट्यून्ड है, इससे भी अटैच्ड है, ठीक है, तो इसको पता रहेगा कि यहाँ से सिग्नल इतने का है, यहाँ से इतने है, तो ये हमें 800 ये है, ठीक है। डिटेक्टर हमने 300 पे पहले ही सेट करके रखेंगे, तो ये लोकल ऑसिलेटर है, ये वेरी ना करे, इसको ये वैल्यू देने के लिए इससे अटैच्ड रहता है, ठीक है, जो उसको बताता है कि IF कितनी जनरेट करनी है, ठीक है। ऊपर दिया हुआ है ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, ये एक फिक्स DC वोल्टेज जनरेट करता है, ठीक है, जो स्टेबल रखता है एम्पलीफायर स्टेजेस को, ठीक है। दो यहाँ पे IF एम्पलीफायर और RF एम्पलीफायर है, तो यहाँ से एक DC कॉन्स्टेंट DC वोल्टेज जनरेट होता है और वो इनके एम्पलीट्यूड को फिक्स रखता है, ठीक है, क्योंकि हमें एम्पलीट्यूड वेरी नहीं कराना है। एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा इसका मतलब मैसेज सिग्नल चेंज हो जाएगा, जो मैसेज हमने सेंड किया है वो चेंज हो जाएगा, तो उसको फिक्स रखने के लिए यहाँ से DC वैल्यू दी जाती है, ठीक है, और फीडबैक में इसको यहाँ पे फिक्स रखा जाता है इस ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल से, ठीक है। यहाँ पे नाउ यहाँ तक हो गया, AM सिग्नल आ गया, आप डिटेक्टर में इसको हम फीड करेंगे, डिटेक्टर का जो आउटपुट होगा, यानी कि डिटेक्टर जो है वो डीमॉड्यूलेटर की तरह वर्क करेगा, ठीक है, और AM जो हमारा सिग्नल था, ऑडियो सिग्नल था, उसको AM से अलग कर देगा, ठीक है। यहाँ पे जो मिलेगा वो हमारा MT सिग्नल है, जो मैसेज सिग्नल हमने सेंड किया है, उस सिग्नल को ऑडियो एम्पलीफायर एंड पावर एम्पलीफायर में देंगे, जिससे उसका ऑडियो एम्पलीफाई होगा और पावर एम्पलीफाई होगा, जिससे ये लाउड स्पीकर ऑपरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पावर एम्पलीफिकेशन होगा। अब इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है ये स्टेज, जहां पर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, ठीक है। ये हम क्यों कर रहे हैं, इसका एडवांटेज क्या है, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेशंस की प्रॉब्लम आती है, इसको रिमूव करने के लिए हमने एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जनरेट कर ली, और क्योंकि यहाँ पे हम AM की बात कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने से हमारा जो सिग्नल है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, उसका एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, केवल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आप इस सिग्नल में और इसमें क्या देखोगे, तो केवल फ्रीक्वेंसी का चेंज हो रहा है, ठीक है, बाकी जो एम्पलीट्यूड है बाकी सब कुछ सेम है, और हमें क्या चाहिए, हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एम्पलीट्यूड, और जब यहाँ पे डिटेक्शन करेंगे तो हमें सेम वही फ्रीक्वेंसी, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को रिमूव करना होगा, और उससे हमारा जो सिग्नल है MT वो हो जाएगा, वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सुपर हेटरोडाइन रिसीवर। अब ये इसकी वेवफॉर्म्स हैं, इसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। ये हमारी लोकल ऑसिलेटर जो जनरेट कर रहा है वो एक फिक्स वैल्यू जनरेट करेगा, लोकल ऑसिलेटर, ठीक है। तो किसी एक फिक्स वैल्यू पे हमने इसको सेट कर दिया, मान लीजिए 1455 पे इसको सेट कर दिया, ठीक है। ये हमारा RF स्टेशंस है, जब इसको हम इससे माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 445। अब यहाँ इस वैल्यू पे हमने अपने जो IF बैंड है उसको फिक्स्ड कर दिया 445 पे। अब 445 पे जो अपियर होगा बैंड, वो अब आपको यहाँ मिल जाएगा फिल्टर के आउटपुट पे, ठीक है। ये फिल्टर कहाँ पर था, ये फिल्टर जो हमने एम्पलीफायर यूज किया है, IF एम्पलीफायर, उसमें था। वो क्या करता है, एक बैंड सबसे पहले उस पर्टिकुलर IF को बैंड पास फिल्टर से लेगा और फिर उसको एम्पलीफाई करेगा, वही एम्पलीफिकेशन आपको आउटपुट पे मिलेगा,
ठीक है, अब वो कौन सा करेगा जो एग्जैक्टली इस 4455 वैल्यू पे होगा, ये इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है, आईएफ है 445, ठीक है, तो इस वैल्यू पे जो होगा वो एग्जैक्टली इस बैंड से पास होगा और वो हमें आउटपुट पे मिल जाएगा और बाकी सब जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये ओवरऑल वर्किंग हो गई सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर की, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं तो उसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, आप चाहो तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऑडियो एम्पलीफायर होता है जो स्पीकर को रन करता है, ठीक है। अब दो इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक एजीसी और एएफसी, ठीक है। एजीसी ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल जो होता है वो एक डीसी, फिक्स डीसी प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक फिक्स डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करता है जो एम्पलीट्यूड को, जो भी सिग्नल रिसीव हो रहा है उसके एम्पलीट्यूड को स्टेबल रखता है। अदरवाइज अगर एम्पलीट्यूड चेंज हो गया तो फिर मैसेज सिग्नल ही चेंज हो जाएगा, तो उसको फिक्स करने के लिए ये ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल यूज करते हैं, ठीक है। और जो ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होता है वो एडजस्ट और स्टेबलाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लोकल ऑसिलेटर के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल वर्किंग हो गई सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर की। नाउ द एडवांटेजेस ऑफ सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर ओवर ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर, ठीक है। ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी में प्रॉब्लम क्या थी, हाई बैंडविड्थ की प्रॉब्लम थी, सॉरी हाई फ्रीक्वेंसी की प्रॉब्लम थी, तो हाई फ्रीक्वेंसी की प्रॉब्लम इसमें रिमूव हो जाती है। इसमें हम क्या करते हैं, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी फ्रीक्वेंसी क्या थी, कैपेसिटर ट्यून्ड नहीं होते हैं, जो रिसीवर सर्किट होता है उन सबके जो कैपेसिटर है वो सेम होने चाहिए एंड तक, ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। जबकि सुपर हेटेरोडाइन में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो रिसीवर होता है वो रिसीव करता है जिस फ्रीक्वेंसी को, एफएस को, वो फ्रीक्वेंसी फिर बाद में यूज नहीं होती है, वो फ्रीक्वेंसी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, आईएफ फ्रीक्वेंसी में, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में। तो दोनों में फिर सेपरेशन हो जाता है, फिर ऐसा ट्यून्ड करने की, हर किसी को एक फिक्स वैल्यू पे ट्यून करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है वो सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर देती है, ठीक है। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ट्रैकिंग इनस्टेबिलिटी बैंडविड्थ वेरिएशन इन टीआरएफ रिसीवर इन सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर, फर्स्ट ऑल द इनकमिंग आरएफ फ्रीक्वेंसीज आर कन्वर्टेड टू द फिक्स्ड लोअर फ्रीक्वेंसी कॉल्ड इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जो इनस्टेबिलिटी बैंडविड्थ वेरिएशन और ट्रैकिंग की प्रॉब्लम थी टीआरएफ में, उस वो रिमूव हो गई सुपर हेटेरोडाइन में। कैसे हो गई, कि जितनी भी आरएफ फ्रीक्वेंसी रिसीव हो रही हैं उन सबको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, फिक्स लोअर फ्रीक्वेंसी पे कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने डायग्राम में देखा 455 पे उसे फिक्स कर दिया, एक लोअर फ्रीक्वेंसी पे फिक्स कर दिया, ठीक है। देन दिस फिक्स इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी इज एम्पलीफाइड एंड डिटेक्टेड टू द रिप्रोड्यूस द ओरिजिनल सिग्नल। अब ये जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होती है इसका हम इसको एम्पलीफाई करते हैं, ठीक है, और इसी से ही हम ओरिजिनल सिग्नल को डीमोडुलेट करते हैं, ठीक है। अब हमें जो रिसीवर फ्रीक्वेंसी थी एफएससी उससे कोई मतलब नहीं है, जबकि ट्यून एम्पलीफायर में क्या था कि सबको जो रिसीवर फ्रीक्वेंसी एफएस है सबको एफएस पे ही ट्यून्ड होना था, जो कि होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो ट्यून्ड सर्किट होता है वो कैपेसिटर पर डिपेंड करता है, उसके रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, वो सबकी अलग अलग है, इसीलिए वो ट्यूनिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। जबकि यहाँ पे क्या हुआ, एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जनरेट कर ली, अब उसका बाकी जो एफएसएस से कोई मतलब नहीं है, अब उसको जो भी करना है वो एफआई पे करना है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पे करना है, ठीक है। सिन द करेक्टरिस्टिक ऑफ आईएफ एम्पलीफायर आर इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी टू विच रिसीवर इज ट्यून्ड, ठीक है। अब रिसीवर जिसपे ट्यून्ड है उससे उसे कोई मतलब नहीं है, एक नई इंडिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी जनरेट हो गई, अब आगे की जितनी भी प्रोसेस है, एम्पलीफिकेशन है या डिटेक्शन है, वो किसके अकॉर्डिंग होगा, आईएफ के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। द सेलेक्टिविटी एंड सेंसिटिविटी ऑफ सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर आर फेयरली यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स ट्यूनिंग रेंज। अब जो सेलेक्टिविटी और सेंसिटिविटी होती है सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर में, उसकी यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि यहाँ पे एक लो फ्रीक्वेंसी और एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ली है, ठीक है। हमें एक बैंड नहीं लेना है पूरा कि बहुत बड़ा बैंड लेना है, केवल एक फ्रीक्वेंसी हमने ले ली 445, जो उस फ्रीक्वेंसी पे होगा वो पास हो जाएगा और बाकी सब रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसकी सेलेक्टिविटी क्या होती है, किसी भी सिग्नल को, किसी डिजायरेबल सिग्नल को सेलेक्ट करने की पावर, और सेंसिटिविटी किसी वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करने की पावर, ठीक है। ये दोनों ही जो सुपर हेटेरोडाइन है उसकी
बेटर होती है टीआरएफ से। ठीक है, अभी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। फर्स्ट है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होती है? द सेंसिटिविटी ऑफ अ कम्युनिकेशन रिसीवर रिफर टू द रिसीवर्स एबिलिटी टू पिकअप वीक सिग्नल एंड एम्पलीफाई इट। ठीक है, सेलेक्टिविटी क्या है? किसी भी रिसीवर की वो एबिलिटी जिससे वो एक वीक सिग्नल को पिक करता है और फिर उसको एम्पलीफाई करता है यूजिंग एम्पलीफायर्स। सेलेक्टिविटी, सेलेक्टिविटी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ रिसीवर टू सेलेक्ट अ सिग्नल ऑफ अ डिजायर फ्रीक्वेंसी वाइल रिजेक्ट ऑल अदर्स। ठीक है, सेलेक्टिविटी क्या होती है? रिसीवर की वो एबिलिटी जिससे वो डिजायर मतलब सेलेक्टिव जो फ्रीक्वेंसी है उसको ही सेलेक्ट करेगा, बाकी सबको रिजेक्ट कर देगा। तो ये दोनों ही पैरामीटर्स किसके अच्छे होते हैं? सुपर हेटरोडाइन रिसीवर के अच्छे होते हैं। नाउ द नेक्स्ट पैरामीटर इज फिडेलिटी। ठीक है, फिडेलिटी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ रिसीवर टू रिप्रोड्यूस ऑल द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी इक्वली। ठीक है, फिडेलिटी रिसीवर की वो एबिलिटी होती है जिससे वो जितनी भी मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है उन सबको इक्वली रिप्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, नाउ द लास्ट वन इज इमेज फ्रीक्वेंसी। अब इमेज फ्रीक्वेंसी क्या है? द टर्म FSI, इमेज फ्रीक्वेंसी को FSI कहते हैं, इज कॉल्ड द इमेज फ्रीक्वेंसी एंड इज डिफाइंड एज द सिग्नल फ्रीक्वेंसी प्लस ट्वाइस द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये क्या होती है? इस FSI होता है सिग्नल फ्रीक्वेंसी प्लस ट्वाइस द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं इमेज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो होता है ये ड्रॉबैक होता है सुपर हेटरोडाइन रिसीवर का जिसे रिमूव करना होता है फॉर परफेक्ट डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, तो इसको अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ इमेज फ्रीक्वेंसी, हाउ एन इमेज फ्रीक्वेंसी जनरेट। ठीक है, जब जो रिसीवर एंटीना होता है वो एक स्टेशन की जगह टू स्टेशन से सिग्नल रिसीव कर लेता है। ठीक है, और वो जो सिग्नल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम डिफरेंस पे होते हैं। ठीक है, जो लोकल ऑसिलेटर FO की फ्रीक्वेंसी होती है वो FS से ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है? FI ज्यादा होती है। ठीक है, तभी जो FI है वो क्या आता है? FO माइनस FS आता है। अब ऐसे दो सिग्नल मिल जाएं जिनका डिफरेंस जो जिन दोनों का एडिशन जो है वो FLO के बराबर होगा तो क्या होगा? जो मिक्सर है वो क्या कर देगा? इसके साथ भी इसको प्रोसेस कर देगा, इसके साथ भी प्रोसेस कर देगा और दो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जनरेट कर देगा। ठीक है, अब ये जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होंगी वो ऑलमोस्ट सेम मतलब बहुत पास में अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यूज पे होंगी। अब जो FI IF फिल्टर होता है वो इनको पास कर देगा क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में कि ये ऑलमोस्ट सेम है, तो इस बैंड पास फिल्टर से दोनों के दोनों पास हो जाएंगे। अब जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो मिलेगा SI प्लस S2। ठीक है, जो एग्जैक्टली क्या होगा? ये होगा आपका इमेज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये किसके इक्वल होंगे? ये होंगे 2 ऑफ SI प्लस FS के। ठीक है, इसके इक्वल ये आपको आउटपुट मिलेगा जो कि अनडिजायरेबल है। आउटपुट हमें केवल एक ही S1 का चाहिए था लेकिन यहाँ पे S1 प्लस S2 दोनों का मिल रहा है। इसको बोलते हैं इमेज फ्रीक्वेंसी। इमेज का मतलब है एक सिग्नल की दूसरी इमेज, एग्जैक्टली वैसा ही सिग्नल और आ जाए, रिसीव हो जाए सेम टाइम पे, तो एक की जगह आपका दो दो सिग्नल प्रोसेस हो जाएंगे और दोनों ही सिग्नल आपको इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी फिल्टर के आउटपुट पे मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? जो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है FS प्लस FI के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जब इमेज फ्रीक्वेंसी आ जाती है जो कि एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है सुपर हेटरोडाइन रिसीवर का, तो उस केस में क्या होता है? इन हेटरोडाइन रिसीवर एंड इमेज फ्रीक्वेंसी इज अनडिजायरेबल इनपुट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द स्टेशन फ्रीक्वेंसी प्लस और माइनस ट्वाइस द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इमेज फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? जो स्टेशन फ्रीक्वेंसी के प्लस माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ
इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी इसके इक्वल होती है, वो होती है हमारी इमेज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसको रिमूव करना अगर हम कर देंगे तो ये हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे रिमूव करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, द इमेज फ्रीक्वेंसी रिजल्ट इन टू स्टेशन बीइंग रिसीव एट द सेम टाइम। ठीक है, ये कब होता है, जब दो स्टेशन से सेम टाइम पे सिग्नल रिसीव हो जाता है, दस प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस, जो कि इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और इमेज फ्रीक्वेंसी कैन बी एलिमिनेटेड बाय सफिशियंट एटेन्यूएशन ऑन द इनकमिंग सिग्नल बाय द आरएफ एम्पलीफायर ऑफ द सुपर हेटरोडाइन। अब इमेज फ्रीक्वेंसी को कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं, जो आरएफ एम्पलीफायर एंटीना से कनेक्ट होता है, आरएफ एम्पलीफायर, उसमें हम उसको एटेन्यूएट कर दें। ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी को एटेन्यूएट कर दें और केवल जो एफएस है उसको ही अलाउ करें, तो हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या प्रोसेस होता है इसको रिजेक्ट करने का, द रिजेक्शन ऑफ एन इमेज फ्रीक्वेंसी बाय अ सिंगल ट्यून सर्किट इज द रेशियो ऑफ द गेन ऑफ द सिग्नल फ्रीक्वेंसी टू द गेन ऑफ द इमेज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब तो कैसे रिजेक्ट करते हैं, ये रेशियो होता है गेन ऑफ द सिग्नल फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ एस का गेन और बाय द गेन ऑफ द इमेज फ्रीक्वेंसी, और जो इमेज फ्रीक्वेंसी है उनके गेन का जो रेशियो होता है वो उस वैल्यू पे अगर हम ट्यून सर्किट को सेट कर दें तो वो इमेज फ्रीक्वेंसी को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, अब इसको कैसे, इसका फॉर्मूला क्या है, अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट वन प्लस क्यू स्क्वायर रो स्क्वायर, वेयर रो इज, रो क्या है, एफ एस आई क्या है, इमेज फ्रीक्वेंसी, ये है इमेज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एफ एस क्या है, सिग्नल फ्रीक्वेंसी, तो इस रो की वैल्यू यहां से निकालेंगे। ठीक है, और क्यू क्या है, लोडेड क्यू ऑफ द ट्यून सर्किट, जो ट्यून सर्किट हम यूज कर रहे हैं ये उसकी क्यू वैल्यू है, क्यू। ठीक है, तो अल्फा अगर हम निकाल लें तो ये जो होता है इसको बोलते हैं हम इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन रेशियो। ठीक है, अब इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल, नाउ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन रेशियो। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, इन अ ब्रॉडकास्ट सुपर हेटरोडाइन रिसीवर हैविंग नो आरएफ एम्पलीफायर, ठीक है, उसमें कोई भी आरएफ एम्पलीफायर नहीं लिया है यानी कि कोई भी एटेन्यूएशन नहीं हो रहा है, द लोडेड क्यू ऑफ द एंटीना कपलिंग सर्किट इज 80। ठीक है, क्यू की वैल्यू 80 गिवन है, इफ द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी इज 455, क्या दिया हुआ है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एफ आई दे रखी है 455 किलो हर्ट्ज़। ठीक है, क्यू दे रखा है 80। नाउ कैलकुलेट फर्स्ट द इमेज फ्रीक्वेंसी एंड इट्स रिजेक्शन रेशियो एट 1000 किलो हर्ट्ज़। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, इमेज फ्रीक्वेंसी और उसका रिजेक्शन रेशियो निकालना है। इमेज फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आई एस, और क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। ठीक है, किस फ्रीक्वेंसी, एफ एस की वैल्यू दे रखी है 1000 किलो हर्ट्ज, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले एफ एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस आई होता है एफ एस प्लस टू एफ आई। ठीक है, तो एफ एस कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है प्लस 445, ठीक है, इंटू टू, ट्वाइस ऑफ 445, जब आप इसको करेंगे सॉल्व तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1910 किलो हर्ट्ज, तो ये आपका आ गया इमेज फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, अब इमेज फ्रीक्वेंसी आ गई, यहां से हम क्या निकालेंगे, रो निकालेंगे, रो क्या होता है, रो का फॉर्मूला होता है एफ आई एस अपॉन एफ एस माइनस एफ एस अपॉन एफ आई एस। ठीक है, अब एफ आई एस एफ एस सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, जब इस पूरे टर्म को हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.386, ये रो आ गया, रो है क्यू है, तो यहां से आप अल्फा निकाल लीजिए। ठीक है, अल्फा कैसे आएगा, अल्फा का फॉर्मूला अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस क्यू स्क्वायर रो स्क्वायर। ठीक है, यही होता है, अब यहां पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए 1 प्लस 80 स्क्वायर, क्यू की वैल्यू 80 है, रो की है 1.386
86। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 110.88। ठीक है, क्योंकि ये रेशियो है इसलिए इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी, क्योंकि यूनिट भी नहीं है, रो की यूनिट भी नहीं है, तो इसकी भी कोई, ये भी एक यूनिट लेस होगा, ये भी यूनिट लेस होगा। ठीक है, नाउ सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड आपका पार्ट है द इमेज फ्रीक्वेंसी एंड इट्स रिजेक्शन रेशियो एट 50 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो यहाँ पे एफ एस की वैल्यू चेंज हो गई, 1000 से कितनी हो गई 50 मेगाहर्ट्ज। बस बाकी सब सेम है, एफ एस दिया हुआ है, एफ आई दिया हुआ है, आप एफ आई एस निकाल लीजिए, इमेज फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए, उससे रो निकाल लीजिए, और रो से क्यू आपको दिया हुआ है उससे अल्फा निकाल लीजिए। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी सेकेंड पार्ट की वो मैं लिख देती हूँ आंसर, डायरेक्ट फॉर्मूले में ही पुट करना है आपको, आंसर लिख देती हूँ जिससे आप उसे चेक कर पाओ। तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.049। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा खुद से, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया, बाकी न्यूमेरिकल की सेम इसी फॉर्मूले बेस्ड है, तो वो मैं आपको दे दूंगी, आप जब ये नोट्स आपको दूंगी तो उसके साथ में वो न्यूमेरिकल्स भी दे दूंगी, तो उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिसीवर कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पीसीएम, पीएएम, जितने भी हमारे डिजिटल मॉड्यूलेटिंग टेक्निक्स होती हैं वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारा एनालॉग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।